दोस्तों, आज मैं आपको पीसी जो है स्पीड अप करने के तरीके बताऊंगा। मेरे सिस्टम में जो कि विंडो 10 इंस्टॉल है, लिहाजा विंडो 10 को जो है स्पीड अप करने का तरीका बताऊंगा। ओवरऑल इससे पीसी की जो है वो परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगी। इसके लिए छोटे छोटे 16 स्टेप्स हैं, बारी बारी आप प्रैक्टिस करें, कंप्यूटर की स्पीड इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि टर्न ऑन अपडेट, विंडो अपडेट। इसका सादा तरीका यह है कि स्टार्ट मेन्यू में सेटिंग पे चले जाएं, विंडो एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करें, चेक अपडेट पे क्लिक करें। अगर पहले ऑन ऑफ है तो इसको ऑन कर दें। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप कुछ दिनों के लिए इसको पास भी कर सकते हैं, हफ्ते 1.5 बाद इसको अपडेट कर लिया करें। मैंने वैसे इसको परमानेंट अपडेट रखा हुआ है। ये एक तरीका है, इससे छोटे मोटे जो विंडो के एरर होते हैं वो वैसे खुद ब खुद ही है रिमूव होते रहते हैं। सॉरी, उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि ये पावर ऑप्शन वाला तरीका है। पावर ऑप्शन में आप इसको पावर ऑप्शन टाइप करें, इसमें इस पे चले जाएं, यहाँ पे आप आ जाएंगे जी अबाउट पे, एडिशनल पावर सेटिंग पे पहले आ जाएं, फिर राइट साइड पे जो रिलेटेड सेटिंग है इसमें अगर ये ऑलरेडी बैलेंस पे सेट हो तो आप इसको हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर दें, इससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। उसके अलावा अबाउट पे क्लिक करें तो एडवांस सेटिंग वाला दोबारा वही ऑप्शन है कि मतलब ये तरीका तकरीबन सेम ही है कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो जो है वो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर दें, यहाँ पे दो चार ऑप्शन आपके पास हैं कि अगर तो आप चाहते हैं कि जो विंडो की पिक्चर हैं वो बेहतरीन रहें, उसकी विंडो के आइकन, डेस्कटॉप आइकन जो है वो खूबसूरत नज़र आए, हाई रेजोल्यूशन में आए, तो ठीक है। लेकिन अगर आप वो पिक्चर वाली थोड़ी कुर्बानी दे देते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए तो आप एडजस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस पे जब क्लिक करेंगे तो पिक्चर क्वालिटी लो हो जाएगी। आप जानते हैं कि जब पिक्चर क्वालिटी हाई होती है तो उसके पिक्सल ज़्यादा होते हैं, मेमोरी साइज़ ज़्यादा होता है, कंप्यूटर को लोड करने में टाइम लगता है। तो परफॉर्मेंस की अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड बढ़े तो फिर आपको अपीयरेंस की कुर्बानी देना पड़ेगी। बहरहाल मैंने इसको अपीयरेंस पे रखा हुआ है, लेकिन आप बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ से सेट कर सकते हैं कि इस पे रख दें, अप्लाई और ओके कर दें। ठीक हो गया जी, विंडो को ऑफ कर दें। ये तरीके थे। उसके बाद दो दो तरीके हो गए परफॉर्मेंस वाला। तीसरा ये था कि अनइंस्टॉल ऐप कर दें कंप्यूटर के अंदर, जो ऐसी कोई आपने ऐप इंस्टॉल की है जो काफ़ी अरसे से आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उनको अनइंस्टॉल कर दें। दिस पीसी पे चले जाएं और यहाँ पे आ जाएगा अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम। यहाँ पे वो सारी ऐप या प्रोग्राम जो आपके पीसी में इंस्टॉल होंगे वो आ जाएंगे। आप देखें कि जो आप अक्सर यूज़ नहीं करते उनको ऊपर राइट क्लिक करें, उनके ऊपर क्लिक करें। फ़र्क करो, ये ब्लू स्टैक जो है बड़ा हैवी है, मैं क्योंकि व्हाट्सएप इसी के ऊपर चलाता हूँ, लिहाजा फ़र्क करें किसी को भी अनइंस्टॉल करना तो क्लिक करके अनइंस्टॉल कर दें तो वो प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाएगा। यानी जो बार बार आप प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं वो तो रहने दें, बाकी जो है वो किए जा सकते हैं। उसके अलावा जी चौथा तरीका है सेटिंग गो टू अबाउट। ये मैंने तरीका आपको वैसे पहले ये सेट आई परफॉर्मेंस वाले में बता दिया कि सेटिंग में जाके अबाउट पे क्लिक करना है। वो टास्क मैनेजर पे चले जाएं, जो ऐप रन हो रही हैं उनको देखें, जो गैर ज़रूरी है उनको निकाल दें। टास्क बार में खाली जगह पे क्लिक करें, टास्क मैनेजर पे क्लिक करें। ये ऐप हैं जो अभी चल रही हैं, अगर कंप्यूटर अभी पीसी स्लो है तो इसमें जिसको बंद करना हो उस पर क्लिक करके उसको ऑफ कर दें। स्टार्टअप पे देखें कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो कौन कौन सी ऐप जो हैं वो ऑन होती हैं ऑटोमेटिकली, जो कंप्यूटर को स्लो डाउन करती है। इसमें देखें मैंने स्काइप को डिसेबल किया हुआ है, वन ड्राइव को, बाकी कुछ अनेबल हैं, जो मैंने प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है तीनों उसकी अपडेट है, विंडो सिक्योरिटी को भी ऑन रखा हो, यहाँ से आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक चीज़ आ गई जी, डी फ्रेगमेंट और ऑप्टिमाइज सी को करें। इससे विंडो में जो एरर वगैरह होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे आ जाएं और टूल्स पे चले जाएं।
यहाँ पे आप देखें तो यहाँ चेक वाला एक ऑप्शन है, चेक पे क्लिक करें तो स्कैन करें, इसमें जो छोटे मोटे एरर हैं वो वैसे ही सी ड्राइव में ख़त्म हो जाएंगे। इस पे करेंगे, ये टाइम ज़्यादा बता रहा है लेकिन लगता है हकीकत में कम है, थोड़ा वेट करें, जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो सी में छोटे मोटे जो एरर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद इसको दूसरा तरीका है कि इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप यहाँ सक्सेसफुली हो गए, इसको क्लोज़ कर दें, उसके बाद ऑप्टिमाइज़ पे आ जाएं, ऑप्टिमाइज़ करें बारी बारी, ये हो गया, इसको भी कर दें, इसको भी कर दें। ये मैंने पहले चूँकि किया हुआ था इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है, मुमकिन है कुछ एक दो सेकंड एक्स्ट्रा लगा दें। इनको एनालाइज़ कर लें, या मतलब ये है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे इसमें कोई एरर नहीं है। सेटिंग जो है वो चेंज आप कर सकते हैं, आप डेली की बजाय वीकली मंथली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसको डेली पे रखा हुआ, तो ये रोज़ के रोज़ जो एरर हैं वो चेक होते रहें। उसके बाद क्या करें कि इसको यहाँ से ओके करके इस विंडो को क्लोज़ कर लें। नया तरीका कौन सा आया जी कि फ्री अप स्पेस सी ड्राइव। सी ड्राइव अगर प्रोग्राम वगैरह से फुल हो चुकी हो, आप देखें यहाँ तो ये फुल नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर ये यहाँ तक पहुँच जाए तो अखा मखा जो है विंडो पे लोड बढ़ता रहता है और मसला बनता है, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि विंडो करप्ट भी हो जाती है। तो पर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये डिस्क क्लीनअप आ गया, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ ये जो ऑप्शन आ रहे हैं टेम्परेरी फाइल एंड डिलीवरी रिसाइकल बिन वगैरह में छोटा मोटा डाटा 50 MB कैलकुलेट इसने किया है, तो क्लीन इस पर क्लिक कर दें, ये इसको कैलकुलेट करेगा। उसके बाद इनमें सारे ऑप्शन को आप बेहतर है कि वो कर दें, ओके कर दें। डिलीट ऑप्शन, परमानेंट डिलीट का ऑप्शन मांगेगा, आप डिलीट कर दें। तो ये जो मेमोरी है जिसमें टेम्परेरी फाइल्स थी, ये बेशक आप अपनी मशीन से साफ कर सकते हैं, इसमें कंप्यूटर पे परफॉर्मेंस पर बेहतर असर पड़ेगा, इनके डिलीट होने से कंप्यूटर का कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद नया एक तरीका आ गया जी, ये फ्री पर। उसके बाद डिसेबल ऑटोमेटिक फ्री बैकग्राउंड सर्च इंजन ऐप्स, ये वो होता है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ना तो उसके ऊपर ये जो प्लस वाला आइकन, इस पे ऊपर क्लिक करें तो टास्क मैनेजर आया, इसमें वो जो चीज़ें रन हो रही होती हैं जो ऐप बैकग्राउंड पे या किसी और, अगर आपने दो तीन वेब ब्राउज़र ओपन किए तो उस पर हो रहे, तो आप इस पर क्लिक करके इसका एंड प्रोसेस कर दें, इससे भी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। उसके बाद आ गए जी टर्न ऑन विंडो सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिक डिलीट ऑल वैलिड। विंडो का जो विंडो डिफेंडर सिस्टम इसका बाय डिफ़ॉल्ट विंडो 10 में होता है, उसको आप कर दें। ये यहाँ से भी इसको ओपन किया जा सकता है, देखें सारे ग्रीन है, नो एक्शन नीडेड, ज़बरदस्त है। आप इस पर क्लिक करें और ये मैनेज सेटिंग पे आ जाए, ये सारे ऑप्शन ऑन होने चाहिए। दूसरा ये है, सेटिंग से भी आप जा सकते हैं विंडो सिक्योरिटी सिस्टम में, विंडो अपडेट, विंडो जो है विंडो डिफेंडर सिस्टम में, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। बहरहाल यहाँ से बेहतर तरीका है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद आ गया जी कि आप ये एक टेम्परेरी फाइल वाली जो है वो क्लिक करनी है, तो आप यहाँ पे सर्च बार में जा के रन टाइप करें और इसमें TEMP लिख के फीसद करके ओके कर दें, ये टेम्परेरी फाइल आ जाएंगी। अगर आपने, मैंने क्योंकि रिसेंटली अभी इनको डिलीट किया था तो इसलिए थोड़ी कम आ रही, पर कंट्रोल ए करके इनको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, ये सारी डिलीट हो जाएंगी। मुमकिन है कि जिस जो सिस्टम आपने काफ़ी टाइम से इसको नहीं किया तो यहाँ बहुत लंबी लिस्ट आ सकती है, एक दो बार ये टेम्परेरी लिख के इनको डिलीट कर दें। उसके बाद फिर रन कमांड जो है वो रन करें, उसमें ये प्री फैच लिख दें, FETCH, ओके कर दें। यहाँ भी बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स आ गई, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करें और डिलीट प्रेस कर दें, ये भी सारी डिलीट हो जाए। अगर एक दो रह जाती हैं तो मुमकिन है कि वो कंप्यूटर रिसेंटली उन्हें यूज़ कर रहा, वो मुमकिन है डिलीट ना हो, तो बाकी एक दो रहने दें। क्लीन अप मेमोरी, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ से इस पर क्लिक करके, राइट क्लिक करके यहाँ से जो है उनको किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा यहाँ आप स्टोरेज लिखते हैं, STORAGE, स्टोरेज लिख दें तो स्टोरेज सेटिंग आ गई। इसमें ये देखें ऐप वगैरह वगैरह ये सारी 109 GB का डाटा इसमें आ रहा है, जो आप समझते हैं कि ये टेम्परेरी फाइल इतनी आ रही हैं, आप इन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे इनको
ये जो रिमूव फाइल्स कर दें, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर डाउनलोड को करना है तो ठीक है, वरना ये रिसाइकल बिन कर लें, डाउनलोड को बेशक रहने दें और बाकी रिमूव फाइल कर दें। तो ये सारी जो हैं वो फाइल जो हैं ये इससे मेमोरी जो है वो बढ़ जाएगी आपकी, और जो अननेसेसरी फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे उस पर बेहतर असर पड़ेगा। इसके अलावा एक और है कि यहाँ रन में चले जाएं, रन कमांड रन करें और msconfig टाइप करें। यहाँ पे आप आ जाएं सर्विसेज पे, यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें स्टॉप हैं, रन है, स्टॉप है, रन है, ये भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो करती हैं। आप हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऐप करके इसमें जो ओके कर दें। आप सारी भी डिसेबल कर सकते हैं लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत जो है वो करके इनको ओके कर दें, इससे भी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। उसके अलावा स्टॉप बैकग्राउंड एप्लीकेशन, ये भी इस पे ये भी हो सकता है कि strt स्टार्ट अप टाइप करें, स्टार्ट अप strtup स्टार्ट अप टाइप करें, क्लिक करें। यहाँ वो सारी ऐप हैं कि जो ही पीसी ऑन होता है तो ये ऐप जो है बैकग्राउंड पे हमें नज़र नहीं आती लेकिन ये इंटरनली तौर पे चल रही होती है। तो इनको भी यहाँ से अपनी एक दो मैंने रखी हुई हैं, ये लेज़र जेट जो है HP लेज़र, मैंने एक प्रिंटर इंस्टॉल किया इसकी, मैंने अपडेट ऑन रखी हुई है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की है, बाकी स्काइप आप देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉइड कार्टिना है, इनको मैंने ऑफ़ किया। अगर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मुमकिन बहुत सारी यहाँ पे ऐप की लिस्ट हो तो आप दो एक ज़रूरी करके जो चांद देख रहे हैं बाकी सबको ऑफ कर दें, इससे भी PC की सिस्टम बढ़ जाती है। आखिर में जो 16 तरीका वो ये है कि रीसेट PC कर दें। आप इसको रीसेट यहाँ पे टाइप करें, रीसेट दिस PC आ गया, इस पर क्लिक करें, गेट स्टार्टेड पे करें, तो कीप माई फाइल्स इस पर आप लाजमी क्लिक करें, आपकी फाइल वाली वो सेटिंग वो उसी तरह रहेगी। उसके बाद जो है ये थोड़ा टाइम लेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँ तो जो है इससे भी जो है वो आपका PC जो है वो बेहतर हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई इसमें मसला हो मज़ीद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत शुक्रिया।